कश्मीर में दहशतगर्दों का सफाया जारी है। राहुल गांधी के किस बयान से मच गया सियासी घमासान। शिवसेना ने बीजेपी की नीयत पर क्यों उठाए सवाल। और मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड ढेर। राष्ट्र और राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। जम्मू कश्मीर में आतंक का तेजी से सफाया जारी है। आज अनंतनाग के शलगुल इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। शलगुल के घने जंगलों में हुए इस एनकाउंटर को पुलिस और आर्मी की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दक्षिण भारत वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा राहुल की मंशा फूट डालने की। गिरिराज सिंह ने कहा राहुल को अमेठी में हार का दर्द है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बड़ा दावा किया है। सामना में लिखा गया कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है। सामना में दावा किया गया कि अप्रैल मई में राज्य में ऑपरेशन लोटस संभव हो सकता है। पामेला गोस्वामी से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता राकेश सिंह को 1 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम अटैक मामले में जांच तेज हो गई है। निमतिता रेलवे स्टेशन के इलाके से सीआईडी ने एक बांग्लादेशी को हिरासत में लिया। बांग्लादेशी से पूछताछ की जा रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पिंक बॉल टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पहली पारी 112 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में एक साथ 1,10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। आज से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट का आगाज हुआ है। मैच शुरू होने से पहले गृहमंत्री और राष्ट्रपति खिलाड़ियों से मिले। अमित शाह ने कहा अहमदाबाद को देश की स्पोर्ट्स सिटी बनाएंगे। सभी खेलों की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गोले मंदिर थाना क्षेत्र की ये तस्वीर है जहां बदमाशों ने सरेरा दिन दहाड़े फायरिंग करके दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।